नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत कुमार चौहान आज केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट टॉपिक कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। अरेनियस इक्वेशन का यूज हम लोगों ने किया है। अरेनियस इक्वेशन रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को बताता है और अरेनियस इक्वेशन दैट इज रेट कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू के एक्सपोनेंशियल ई ए बाय आर डी दैट विल कंसिडर द अरेनियस फ्रीक्वेंसी दैट विल कंसिडर द अरेनियस फ्रीक्वेंसी एंड दैट ऑल्सो कंसिडर्स एक्टिवेशन एनर्जी। इन दोनों कंसेप्ट को लेकर के अरेनियस इक्वेशन वॉज गिवन, लेकिन इससे भी बेटर एक्सप्लेनेशन एक कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन से मिलता है एंड दैट थ्योरी वॉज गिवन बाय ट्रॉट एंड विलियम्स। दोनों ने मिलकर के एक कोलिजन थ्योरी दिया है और कोलिजन थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि दे हैव अज्यूम्ड ऑल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एज हार्ड स्फीयर। दे सेड दैट कि इफ टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू वन अनदर दे मस्ट कोलाइड टू वन अनदर। मतलब अगर कोई केमिकल आपस में रिएक्शन करता है तो उन दोनों के बीच में कोलिजन होना मस्ट है, उन दोनों के बीच में कोलिजन होता ही है एंड दैट इज द की कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। और जब हम कोलिजन थ्योरी की हम बात करते हैं तो इसी में एक पर्टिकुलर टर्म आती है दैट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी और कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज The number of collision taken place in 1 second in a unit volume। किसी भी unit volume में 1 second में कितने collision होते हैं that will be called collision frequency। Number of collisions अगर ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट में फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन ये जो थ्योरी है, जैसे इस थ्योरी में एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट है, अरेनियस फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट है, तो कोलिजन थ्योरी की अगर हम बात करें तो उसमें एक और फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया है एंड दैट इज ओरिएंटेशन फैक्टर। दैट इज ओरिएंटेशन फैक्टर। ये क्या होता है मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, मान के चलिए कि आपके पास में दो रिएक्टेंट है ए और बी और ये दोनों मिलकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इफ दीज टू आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ प्रोडक्ट देन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बेसिकली थ्री फैक्टर्स। कौन कौन से? अकॉर्डिंग टू दिस रेट कॉन्स्टेंट के विल बी इक्वल टू नंबर वन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन ए एंड बी, एक्सपोनेंशियल टू द फॉर्म ई ए बाय आर टी। अभी इन दोनों को आप कंपेयर करो, अरेनियस इक्वेशन नंबर वन, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट नंबर टू, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो ऑल थिंग्स आर सेम। यहां अरेनियस फ्रीक्वेंसी है एंड जेड इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, लेकिन इस थ्योरी में वन अनदर फैक्टर पी दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन फैक्टर दैट इज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। दिस इज ओरिएंटेशन फैक्टर, जेड ए बी इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ई ए इज अवर नथिंग जस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, क्लियर। एंड नंबर नेक्स्ट दैट इज एक्सपोनेंशियल ई ए अपॉन आर टी, दिस होल टर्म इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। व्हाट इज दैट? दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। अब कोलिजन थ्योरी की अगर मैं बात करूं कि हाउ कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाट इज एन ओरिएंटेशन फैक्टर, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बेसिक सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। सी द एग्जाम्पल हियर। एग्जाम्पल क्या है? सी हियर कि NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
NO2 ये दोनों मिलकर के N2O4 का फॉर्मेशन करते हैं। इस NO2 मॉलिक्यूल को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, दिस इज अवर नाइट्रोजन एटम, दिस इज ऑक्सीजन एटम, वन अनदर एटम ऑक्सीजन इज देयर। दूसरा NO2 मॉलिक्यूल को मैं रिप्रेजेंट करूं सेम वे में, वन ऑक्सीजन अनदर ऑक्सीजन, और N2O4 के मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो दीज टू नाइट्रोजन एटम्स आर देयर, टू ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, सपोज दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O4। टू N2 मॉलिक्यूल कंबाइंस टू फॉर्म N2O4। इस पर्टिकुलर में NO2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब मान के चलिए कि इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है, वो कोलिजन दो टाइप का पॉसिबल है, वन में बी कॉल्ड प्रॉपर कोलिजन एंड सेकंड में बी कॉल्ड इम्प्रॉपर कोलिजन। इम्प्रॉपर कोलिजन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, इम्प्रॉपर कोलिजन सोचिएगा, NO2 का ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरे मॉलिक्यूल को अप्रोच करता है, मान लीजिए दूसरा मॉलिक्यूल इसको अप्रोच कर रहा है, लेकिन इसका ऑक्सीजन इसको अप्रोच कर रहा है, नाइट्रोजन इज अप्रोचिंग टू दिस ऑक्सीजन। इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, N2O4 के फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है, मीन्स कोलिजन बिटवीन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन मस्ट बी देयर, लेकिन इसमें कोलिजन किसका हो रहा है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। तो जस्ट देयर कैन कोलाइड विद वन अनदर बट विल नॉट रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दे जस्ट कोलाइड टू वन अनदर एंड बाउंस बैक, वापिस अलग अलग हो जाएंगे। तो ये जो कोलिजन है दिस विल बी इम्प्रॉपर कोलिजन, और जब भी इम्प्रॉपर कोलिजन होता है नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। लेकिन अगर मान लीजिए मैं दूसरे कोलिजन की बात करूं, दैट मे बी ए प्रॉपर कोलिजन, तो प्रॉपर कोलिजन कैसा होना चाहिए, NO2 का एक मॉलिक्यूल, फॉर एन एग्जांपल दिस इज कोलाइडिंग विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ NO2 विद द हेल्प ऑफ बोथ नाइट्रोजन एटम, दोनों नाइट्रोजन के बीच में कोलिजन हो, दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे से कोलाइड करें, और अगर कोलिजन हो करके इनका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर जाता है, किसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर जाता है, तो ये जो रिएक्टेंट होंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट। मतलब अगर हम इस कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट की बात करें तो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, नंबर फर्स्ट एनर्जी फैक्टर, और एनर्जी फैक्टर क्या होता है, दैट इज द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब उसके पास में एक्टिवेशन एनर्जी मिल करके थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर जाए, इतनी एनर्जी होना चाहिए। एंड नंबर सेकंड, द कोलिजन मॉलिक्यूल शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर कोलिजन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो ये दो फैक्टर को इंट्रोड्यूस करता है। एंड नंबर थर्ड दैट विल बी फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, तो इन तीन फैक्टर को इंट्रोड्यूस करके अगर रिएक्टेंट कोलाइड करता है, प्रॉपर कोलिजन करता है, एंड आफ्टर कोलिजन इफ दे आर क्रॉसिंग द बैरियर ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी, देन रिएक्टेंट में कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो ये यहां पर जो कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, इसमें एक और फैक्टर दैट इज रिप्रेजेंटेड विद पी इज कंसिडर्ड एज ओरिएंटेशन फैक्टर। दिस इज अबाउट द कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट।